For the West Bengal, a political biasness has been adopted by the central government, and they have not provided the 100 days work despite the claim. I am assuring it. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे, एक रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और पश्चिम बंगाल ने यह किया है, कई अनियमितताएं पश्चिम बंगाल ने की, फंड डाइवर्ट किया गया, योजनाओं का नाम बदला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, FIR बहुत है, और ये सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है जिन्हें फंड डाइवर्ट किए, इसलिए पैसा रोका गया है। ये पैसा फालतू कमाने के लिए नहीं है, ये मजदूरों के लिए है, ये पैसा खाने के लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर, अंडर द मनरेगा एक्ट, under the manrega act, it is the responsibility and duty, it's a mandatory duty of the central government, it's not the wish or choice, but it's a mandatory duty of the central government to provide 100 days work. It's not anybody's anybody's choice, it has to be done, and it has, and you see from the chart itself that it has not been provided. It is not correct that whenever the state government is asking, they are providing. No, not at all. There are facts. Especially for the West Bengal, a political biasness has been adopted by the central government, and they have not provided the 100 days work despite the claim. I am assuring it. It's 3 years. Utle bar. Mananiya Adhyaksh Mahoday, ye hamari प्रतिबद्धता है कि 100 दिन का रोजगार मांगने पर, जरूरी नहीं कि 100 दिन का रोजगार ना मांगे तो भी दें, एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वो मांगते हैं तो। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं, कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं, लेकिन जितने दिन का वो रोजगार मांगते हैं उतना रोजगार दिया जाता है। और मैं कह रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने आवंटन को 3 गुना ज़्यादा बढ़ाया है। इस साल भी 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ज़रूरत पड़ेगी और मांग होगी अगर मजदूरों द्वारा, तो उस प्रावधान को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, ये योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे, एक रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे, उस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। और पश्चिम बंगाल ने यह किया है, कई अनियमितताएं पश्चिम बंगाल ने की, फंड डाइवर्ट किया गया, योजनाओं का नाम बदला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, FIR बहुत है, और ये सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है जिन्हें फंड डाइवर्ट किए, इसलिए पैसा रोका गया है। ये पैसा फालतू कमाने के लिए नहीं है, ये मजदूरों के लिए है, ये पैसा खाने के लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गण, प्लीज, माननीय सदस्यगण, इस पे कभी कई माननीय सदस्यों ने सप्लीमेंट्री पूछा है, आप रूल 55 के अंदर मुझे लिख के दे दें, मैं इस पर व्यवस्था दे दूँ। Please, 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 please.
मैंने व्यवस्था दे दी है, आप आपस में माननीय सदस्य प्लीज प्लीज एक मिनट बैठिए, आप बैठिए, सब बैठिए। मैंने व्यवस्था दे दी है, आप रूल्स 55 के अंदर मुझे लिख के दे दे, इस पर मैं चर्चा करा दूंगा, ठीक है ना? ओके okay.